This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक generalized reading लेकर आई हूँ, जो कि December 2022 के लिए है. आज की reading Libra, यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है. ये एक generalized reading है. हो सकता है ये reading आपके साथ completely resonate हो सकता है ये reading आपके साथ partially resonate हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो. सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टारो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोज पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती है, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ. सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे. इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या वीनस साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी आपका मून साइन है उस जोडिक साइन की रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स. तो आइए देखते हैं लिब्रा पीपल जनरल एनर्जीज की टर्म्स में दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. दिसंबर मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए किस तरह की होगी. दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है. जनरल एनर्जीज दिसंबर के मंथ में आप लोगों के लिए किस तरह की होगी. लिब्रा पीपल, लेट्स सी दिसंबर का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. जिस तरह से कार्ड्स में शफल कर रहे हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि इस मंथ में आप अपनी बातों को ज्यादा सीक्रेटिव रखने वाले हैं. ये चीज बहुत क्लियरली मुझे इंडिकेट हो रही है यहाँ पर. सो आइए देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या निकल कर आता है. तारे 7 of Fire का कार्ड है. जो मैंने अभी आपको बात कही, ये उसी चीज को रिप्रेजेंट करता हुआ कार्ड है. What else? और क्या है यहाँ पर. That is 10 of Fire का कार्ड है. 5 of Cups का कार्ड है. Knight of Earth का कार्ड है. The Emperor का कार्ड है यहाँ पर. King of Wind का कार्ड है. 2 of Cups का कार्ड है. And bottom of the deck पर 10 of Cups का कार्ड है यहाँ पर. सो लिब्रा पीपल, इस मंथ में आपको ट्रस्ट इश्यूज लोगों के साथ बहुत ज्यादा होंगे. आप किसी के ऊपर ज्यादा यकीन नहीं कर पाएंगे. आपका मन किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए मानेगा ही नहीं. आप इस मंथ में अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं. अपने बिलीफ सिस्टम पर आप बहुत ज्यादा दृढ़ रहेंगे. आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन दूसरों के प्रति आपके अंदर एक शक वाला बिहेवियर ज्यादा रहने वाला है. इस मंथ में आप उन लोगों को चैलेंजेस देते हुए नजर आ रहे हैं जो लोग किसी पावर को पकड़े हुए हैं. जिन लोगों के पास कोई पावर है, उन लोगों को आप चैलेंजेस देते हुए नजर आ रहे हैं. इस महीने में आप अपने बैटल्स को बड़े दिमाग से प्लान करेंगे और चूज करेंगे. ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप किसी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये दूसरे पर्सन को शो मत कीजिएगा. ठीक है, आपको यकीन नहीं है, वो चीज अपने तक रखिएगा. किसी को अगर शो करेंगे तो वो पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है. वो पर्सन आपको लेकर सस्पिशियस हो सकता है. इस बात का ध्यान आपको रखने की जरूरत है. यहाँ पर 10 of Fire का कार्ड है. इस महीने में आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं. उसकी वजह से बहुत ज्यादा आप बर्डन भी महसूस करेंगे. जिंदगी के किसी स्पीयर में ये एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं. आपको ऐसा लगेगा कि जीवन के अंदर कोई रस ही नहीं बचा है, बस सिर्फ काम करते जाओ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते जाओ. लेकिन आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है.
अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस सिचुएशन से आप कैसे फाइट कर सकते हैं, ये सिचुएशन पर आप क्या काम कर सकते हैं, तो दूसरों की मदद ज़रूर लीजिए। आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं स्ट्रेस की वजह से, तो इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवरबर्डन खुद को मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप एक नेगेटिव चीज के ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा चीजें आप जैसी सोच रहे थे वैसी तो हो नहीं रही हैं, तो आपको ऐसा लगेगा चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, आपके अगेंस्ट हो रही हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी आपके हाथ से निकल रही है। देखिए, पास्ट में जिन लोगों ने आपको हर्ट किया या फिर जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते रहे, आपके लिए नेगेटिव करते रहे, उन लोगों को माफ कर दीजिए। हर एक चीज एक रीजन से होती है, ये चीज आपको इस महीने में कंप्लीटली समझ आ जाएगी और आप हर एक चीज को समझ पाएंगे, डॉट टू डॉट कनेक्ट कर पाएंगे। अपने इस नेगेटिव नजरिए को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, बस इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस महीने अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा आप लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, आप अपनी मेहनत को बचाने की कोशिश करने वाले हैं, बट आपको कुछ एप्रीहेंशंस भी होंगी। ये एप्रीहेंशंस वाली एनर्जी तो ज़्यादा रहने वाली है, ऐसी चीज़ें हो भी नहीं रही होंगी जिसे आप पहले से सोच लेंगे कि शायद ऐसा हो रहा है। कुछ भी कर रहे हैं तो करने से पहले प्लीज़ पूरा प्लान कर लीजिए, उसके बाद कुछ कीजिएगा। हर एक चीज की छोटी छोटी डिटेल के ऊपर फोकस कीजिएगा। परफेक्ट टाइमिंग पर काम आपको करना है। आपको हर एक चीज में जहां पर आप स्टक महसूस कर रहे हैं वहां पर आपको गार्डियन एंजल्स गाइडेंस देने के लिए कोई ना कोई या तो पर्सन भेज देंगे या आपको कोई साइन मिल जाएगा, ठीक है। इस महीने में आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आने वाली है, आप मैच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में जो भी डिसीजंस लेंगे लॉजिकली लीजिएगा, अपनी जिंदगी को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आगे की ओर लेकर चलिएगा और तब आपको आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी। आपको अपने लाइफ में अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है, दूसरों के बनाए हुए डिसीजंस पर आपको नहीं चलना है, ठीक है। अगर आपकी पोजिशन बढ़ती है, आप एक हाई पोजीशन पर आते हैं, तो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की लाइफ के भी फैसले आप करने शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और बहुत डिसिप्लिन के साथ अपनी जिंदगी को इस महीने में आपको चैनलाइज करना है। यहाँ पर किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आप इस महीने में जो भी फैसले लेंगे इंटेलिजेंटली लीजिएगा, इम्पार्शियल होकर लीजिएगा। आप जितनी रिस्पेक्ट लोगों को देंगे उतनी ही रिस्पेक्ट आपको सामने से मिलेगी। आपको एडवाइस करने वाले लोग बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, आपको लेकिन फोकस रहना है, फेयर माइंडेड रहना है। आप लोगों से ज्यादा इस महीने में कॉम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कॉम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा तो ही फायदा है। आप शायद उन रिश्तों से अपने आप को पीछे कर लेंगे जिन रिश्तों में सिर्फ आप ही इमोशंस डालते आए हैं और सामने से आपको कभी उस तरह के इमोशंस नहीं मिले हैं, ठीक है। इस महीने में अगर आप किसी से कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ की टर्म्स में हो, चाहे आपके बिजनेस की टर्म्स में हो या किसी और चीज में हो, आप पार्टनरशिप की एनर्जीज में एंटर कर सकते हैं। आप किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सामने अगर आपके पर्सन आ जाते हैं और वो आपसे माफी मांगते हैं, या कोई भी पर्सन आ जाता है, जरूरी नहीं है लव लाइफ में, और वो पर्सन आपसे माफी मांगता है, तो उस चीज को वहीं पर खत्म करके उस पर्सन को अपना लीजिएगा। उन लोगों पर आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है जिन लोगों से आप बहुत प्यार करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में इमोशनल कंटेंटमेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है, आप रेनबो के सभी रंग की एनर्जीज को एंजॉय करेंगे, अंदर से खुशी, बिना किसी रीजन की वजह से खुशी, ये आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, एक सेफ्टी सिक्योरिटी की फीलिंग आपके अंदर रहने वाली है इमोशनली, और आपको कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं जिन लोगों पर आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। सो आई होप लिब्रा पीपल, आपको आपकी जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी।
अब हम देखते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। लिब्रा पीपल, लेट्स सी ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। लिब्रा पीपल, लेट्स सी दिसंबर का महीना आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। दिसंबर का महीना आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लाइक किंग ऑफ विंड का कार्ड है। द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। लिब्रा पीपल, पर्सन से बात नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही हैं। इस महीने में जो भी आपके रिलेशनशिप की थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को आप तक पहुँचने नहीं देगी और इस थर्ड पार्टी की कंफर्मेशन आपको इस महीने में हो जाएगी कि ये थर्ड पार्टी क्या करती है, किस तरह से करती है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। उस टाइम पर आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए एंथुजियास्टिक होना होगा, आपको डिसीजन बनाना होगा कि आपको आपके पर्सन के साथ रहना है कि नहीं रहना है, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर फोकस रहना होगा, डिफेंसिवली एक्ट करना होगा, जो भी ये थर्ड पार्टी कर रही है उससे अपने पर्सन को बचाना होगा। लव लाइफ के रिगार्ड में जो भी फैसले लेंगे इंटेलिजेंटली लीजिएगा, ठीक है। अपने पर्सन को कहने भर से कि वो इस रिलेशनशिप को ठीक करें, वो अपने जो स्टेप्स हैं उन्हें रिफॉर्म करें, उससे कुछ नहीं होगा, इस बात की समझ आपको खुद ब खुद इस महीने में लग जाएगी। और आपको ये भी चीज पता लग जाएगी कि जो आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ है वो कोई ऑर्डिनरी सा रिलेशनशिप नहीं है, इस रिलेशनशिप की डेप्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको अपने आप में एक डिसीजन पहले दिल और दिमाग में बनाना होगा कि इस रिश्ते में रहना चाहते हैं कि नहीं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यही डिसीजन बनाएंगे कि उन्हें इस रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है। जब आप इस रिलेशनशिप के लिए डिसाइड कर लें तब आपको इस रिलेशनशिप पर मेहनत करनी है, इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करने की। और इस महीने में आपकी एनर्जीज खुद इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगी कि आप खुद इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करने के लिए उस डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे। जब आप मेहनत करेंगे उस चीज का आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा, आपका ये जो रिलेशनशिप है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप सही डायरेक्शन में अगर एफर्ट्स इस महीने में लगाते हैं, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आपका ये रिलेशनशिप 100% ठीक होगा, ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को बदलना है, उनकी एनर्जीज को चेंज करना है। जब आप ये करेंगे तो इस महीने के लास्ट तक, मतलब न्यू ईयर आप अपने पार्टनर के साथ ही मनाने वाले हैं, आपके पार्टनर सामने से आकर आपको अपने हालात बताएंगे। वो ये बताएंगे आपको कि उनकी हेल्थ किस तरह की रही है, वो ये बताएंगे आपको कि इस रिलेशनशिप के लिए वो कितना तड़पे हैं, और आपको ये महीना दिया जा रहा है कि इस रिलेशनशिप पर अपना चार्ज बनाइए, इस रिलेशनशिप का अंधकार दूर कीजिए, ठीक है। आपके सही एफर्ट्स इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं और आपके पार्टनर इस महीने के लास्ट तक आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करने हैं, बोल्ड चॉइस बनानी है इस रिलेशनशिप को लेकर, और फिर देखिएगा कि आपके पर्सन आपके ड्रीम्स आपके साथ शेयर करेंगे, आप अपने प्लान्स को बाद में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप से बैकआउट मत कीजिएगा, ये मेरी एडवाइस है आपको, ओके। अब हम बात करते हैं जो लोग अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन जोन में हैं, जो अपने पार्टनर से बात करते हैं और आपके पार्टनर भी आपके साथ कम्युनिकेशन टर्म्स में हैं, तो आप लोगों की बात कर लेते हैं। इस महीने में घर का कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी का काम करने वाला है। इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए इस महीने आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे।
आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर नाराज ना हो, लेकिन जब भी आप अपने पार्टनर को कुछ समझाने की कोशिश करेंगे वो सामने से बहुत ही डिफेंसिवली एक्ट करेंगे। आपके पर्सन ये प्रूव कर देंगे कि आप गलत बोल रहे हैं और आपके पर्सन 100% सही हैं। वो चीज़ आपको हर्ट भी बहुत ज़्यादा करेगी कि आप इतना सब कुछ तो अच्छे से कर रहे हैं और तब भी उन्हें आपके एफर्ट्स की कदर नहीं है। आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करेंगे लेकिन आपके पर्सन घर के किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर किसी बाहर के पर्सन के साथ भी कोई कॉन्टैक्ट बनाने वाले हैं। सो आपका ये रिश्ता बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जहाँ पर आप अपने इस रिश्ते को बहुत पॉजिटिविटी से देख रहे हैं वहीं पर ही आपके जो पर्सन हैं वो किसी बाहर के पर्सन के साथ अपने रिश्ते को आगे की ओर लेकर जाने की प्लानिंग करने वाले हैं। इग्नोरेंस आपको इस महीने में देखने के लिए नहीं मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से, बस यही मिलेगा कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, वो आपकी किसी भी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं। ये आपको बहुत क्लियरली देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब ऐसी चीज हो तो समझ जाइएगा कि घर का कोई पर्सन आपके पार्टनर की एनर्जीज को ब्लॉक कर रहा है। उसी टाइम पर आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स ले लेने चाहिए। अगर उसमें भी डिले करते जाएंगे तो ये रिलेशनशिप वर्स सिचुएशन की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं जो लिब्रा पीपल सिंगल हैं। इस महीने में आपको कोई पर्सन मिलने वाला है, आपकी लाइफ में आएगा कोई पर्सन और ये पर्सन आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपका दीवाना हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको आपकी वर्क प्लेस पे मिलने वाला है। इस पर्सन को देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि इसके साथ आपका कोई फ्यूचर हो सकता है, लेकिन आप जहां पर आइडियाज अपने रखेंगे वहां पर ये पर्सन आपके आइडियाज पर क्वेश्चन उठाने वाला है और ये चीज आपके अंदर एक बदलाव लेकर आएगी और अच्छे के लिए बदलाव लेकर आएगी। इस पर्सन के साथ आप इसी मंथ में रिलेशनशिप में एंटर करेंगे, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पर काम करेंगे, लेकिन पहला कोलैबोरेटिव एफर्ट जो आपका होगा वो आपकी वर्क प्लेस पर होगा और धीरे धीरे वो पर्सनल लाइफ में भी होगा। ये इस पर्सन के ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग होंगे लेकिन ये पर्सन तैयार होगा आपके साथ अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करने के लिए। इसमें ना तो आप उन्हें प्रपोजल देंगे ना वो आपको प्रपोजल देंगे, ये अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। सो उस पर्सन के जॉडिक साइन क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उस पर्सन के जॉडिक साइंस होंगे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस या फिर एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा। ये तीन मतलब एक अर्थ साइन और एक एयर साइन की पर्सनालिटी के पर्सन ये नजर आ रहे हैं। सो आई होप सिंगल्स जो हैं उन्हें भी ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। सो आई होप आप सबको ये आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं ये महीना आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। लिब्रा पीपल, लेट्स सी। ये महीना आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। दिसंबर का महीना आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। एस ऑफ विंड का कार्ड है। फाइव ऑफ विंड का कार्ड है यहाँ पर। अवेकनिंग का कार्ड है। द स्टार का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में अचानक से एक इम्बैलेंस आपके प्रोफेशन में क्रिएट होगा, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके फाइनेंसेस में कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होने वाला है। कोई पास्ट का पर्सन आपके करियर में इंटरफेयर करने वाला है। ये कोई आपका पुराना फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप पहले से जानते हैं। वो पर्सन आपको आपके करियर के लिए कोई एडवाइस दे सकता है या आप इस पर्सन के साथ अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं
और इस पर्सन को आपको ट्रस्ट करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, और आई थिंक नवंबर के लास्ट तक आप इस पर्सन पर ऑलरेडी ट्रस्ट कर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा चीजें आपके कंट्रोल में आ रही हैं, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपके फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में आ रहे हैं, बट ये सच नहीं होगा। एक्चुअली क्या होने वाला है कि ये पर्सन आपको बैक स्टैप करने वाला है। इस पर्सन की मंशा आपको नहीं पता होगी। आप इस पर्सन पर बिना किसी रीजन के ट्रस्ट कर लेंगे, और वो भी नवंबर में आप कर चुके होंगे, और दिसंबर में आपको रियलाइज होगा कि इस पर्सन की वजह से आपका करियर अटक गया है। आप एक अवेकनिंग के स्टेट में आएंगे, आपको समझ आएगा, आपकी आंखें खुलेंगी कि आपकी लाइफ के अंदर ये जो पॉज आया है ये आपके गलत एक्शन की वजह से आया है। आप उस पर्सन को पहले जानते थे, उस पर्सन का नेचर पहले कुछ और था, लेकिन अब वो पर्सन बदल चुका है, ये चीज आपको समझ नहीं आई और इस वजह से आपने उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन दिसंबर मिड के बाद आप चीजों को अपने कंट्रोल में लेंगे, अपने बिजनेस के रिगार्ड में, आपके करियर के रिगार्ड में, फाइनेंसेस के रिगार्ड में, चीजों को आप अपने कंट्रोल में रखेंगे और आप उस पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। आपका ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप गुस्से में रहेंगे इस पर्सन को लेकर। मैं आपको एक चीज बता रही हूं कि ईगो में रहना मतलब खुद को ट्रैप करना, मत कीजिएगा। आपको किसी से कोई बदला नहीं लेना है, डिसीजन तो आपका ही गलत था, ऐसे कैसे आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके लाइफ के अंदर ये जो पॉज आया ये आप ही की गलती की वजह से आया। अगर आप इस चीज को मानकर चलेंगे तो आपका जो भी लॉस हुआ है उसे आप कवर अप कर लेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे। ये महीना आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी आंखें भी खोलने वाला है। आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट होकर बढ़ेगी, ठीक है। आपको पुरानी बातों को लेट गो करना होगा, आपको उस पर्सन को लेट गो करना होगा, उसे नीचा दिखाकर कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, फ्यूचर पर फेथ रखिए, डिवाइन पर फेथ रखिए और आगे की ओर बढ़िए, और आपके चैलेंज भरा जो ये वक्त चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी फिलहाल में जब नवंबर के लास्ट में आपको बिल्कुल भी ये समझ नहीं आएगा कि आप फाइनेंसेस किधर को जाएंगे, आपकी डायरेक्शन कौन सी होगी, लेकिन धीरे 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 चीजें स्टेबलाइज होंगी, आप विक्टोरियस होंगे इस सिचुएशन में। बट ये चीज जरूरी थी आपके लिए ताकि आप समझ पाए कि हर इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इस लेसन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन अगर उस पर्सन से रिवेंज वाली भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो विक्ट्री आप हासिल कर सकते हैं, जो बैलेंस आप हासिल कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। सो इस एनर्जी को अवॉइड कीजिएगा, किसी से किसी तरीके का कोई बदला आपको नहीं लेना है। ओके, सो आई होप आपको आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड की एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं दिसंबर का महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, दिसंबर के मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर फाइव ऑफ स्वोर्ड्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस मंथ में आपकी हेल्थ ज्यादा कुछ अच्छी नहीं रहने वाली है, ठीक है। इस मंथ में आप एक्चुअली अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं देने वाले हैं। आपकी लाइफ के अंदर इतनी सारी चीजें चलेंगी एक साथ कि जहां पर आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होनी शुरू हो जाएगी। आप इम्बैलेंस की स्टेट में आते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी हेल्थ पर ध्यान ना देना, कुछ भी किसी भी टाइम खा लेना, इस तरीके की एनर्जी में आप रहेंगे उससे आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है और काफी ज्यादा पैसा आपका आपकी हेल्थ को लेकर खर्च हो सकता है। सो अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। जो मेजर चीजें आपको इस मंथ में आपकी हेल्थ के रिगार्ड में रहेंगी वो होगा किडनी इश्यूज, या फिर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्लड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अपनी हेल्थ को अवॉइड मत कीजिएगा किसी भी कारण से। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं क्या आप इस मंथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ये मंथ आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए सही है।
क्या आप इस मंथ में अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? क्या आप इस मंथ में अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए देखते हैं, क्या ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में? तो पहला कार्ड आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ अर्थ का कार्ड है. देन इज एस ऑफ विंड का कार्ड है. द वर्ल्ड का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है. इस महीने में अगर मैं आपको कह भी दूं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो आप तब भी करेंगे, क्योंकि जब स्टार्टिंग होगी ना मंथ की, एक्चुअली फाइनेंशियल एक आपको धक्का लगेगा, जिसकी वजह से आप ये सोचेंगे कि शॉर्टकट होगा कुछ मनी बनाने का, तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे. जो भी आपके पास फाइनेंसेस हैं, आपको ऐसा लगेगा इससे आपकी लाइफ के अंदर एक मैजिक क्रिएट हो जाएगा, इससे आपकी रिकवरी हो जाएगी पैसे को लेकर. बट ये आपकी सबसे बड़ी भूल रहेगी. इस मंथ में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है. आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है वो अपॉर्चुनिटी ना होकर एक और ट्रैप हो सकता है. तो इसलिए इस मंथ में ना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है. समझा तो मैं आपको रही हूँ, बट आपकी एनर्जीज ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही हैं कि आप मेरी बात को सुनेंगे भी. इस मंथ में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. आपको बहुत बड़ा कर्जा उठाना पड़ सकता है इस टर्म. अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं कि आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. इस महीने में आपको ना तो लैंड पर इन्वेस्ट करना है, ना आपको कोई घर लेना है, ना कोई फ्लैट लेना है, ना कोई शॉप लेनी है. रेंट पर लेना चाहते हैं ले लीजिए, बट आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है. बस इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे वो पैसों की टर्म्स में हो, चाहे वो लैंड की टर्म्स में हो, किसी प्रोफेशन की टर्म्स में, नहीं करनी है इन्वेस्टमेंट. ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल. अब हम देखते हैं ये महीना स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का रहने वाला है. जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मंथ आपके लिए किस तरह का होगा? आइए देखते हैं लिब्रा पीपल, ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है. जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मंथ आपके लिए किस तरह का होगा? तो पहला कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ विंड का कार्ड है. देन इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है. देन इज टेन ऑफ अर्थ का कार्ड है. देन इज द सन का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ फायर का कार्ड है. सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ अर्थ का कार्ड है. इस महीने जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्टली प्रमोशन होगी आपकी, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे. मेहनत कीजिएगा, आपकी प्रमोशन 100% होगी. आपकी पढ़ाई वाली जो लाइफ है, आपके पढ़ाई के तरीकों में कोई तीसरा पर्सन इंटरफेयर करने की जरूर कोशिश करेगा. पर्सन को इंटरफेयर मत करने दीजिएगा. आपके घर का कोई पर्सन आपको गाइडेंस देने वाला है, उस पर्सन की गाइडेंस को सुनिएगा, ठीक है? और जो लोग ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि डायरेक्टली आपकी कोई जॉब लग जाएगी, ठीक है, वो आप जरूर उस एग्जाम को क्रैक करेंगे. आपका जो भी सपना है वो जरूर पूरा होगा. आपकी जॉब 100% लगेगी, और उसमें भी आपको गाइडेंस आपके फैमिली के किसी पर्सन की मिलने वाली है. उस गाइडेंस को प्लीज समझिएगा, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, आप 100% सक्सेसफुल होंगे. अगर आप कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो मीठा बनकर आपसे ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई की फील्ड में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. किसी को इस बात का अंदाजा मत लगने दीजिएगा. आप
जो भी रूल्स बनाएंगे कि आपको इस टाइम पर पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, उनको प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। 100% आपको आपके कॉम्पिटेटिव्स के लिए भी सक्सेस मिलेगी। जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपका पढ़ाई में मन लगेगा, फोकस्ड आप रहेंगे और आपके ड्रीम्स आपके लिए एकमात्र एक ऐसा डिटर्मिनेशन रहेंगे, ऐसी मोटिवेशन रहेंगे जिसकी वजह से आपका पढ़ने का मन करेगा। ओके, सो आई होप लिब्रा पीपल आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन इस मंथ में? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? लिब्रा पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है आपके लिए लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज व्हाइट ईगल का कार्ड है, एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। देन इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टीचर अवेकन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चैरिटी का कार्ड है, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर महा अवतार बाबा जी का कार्ड है। तो मोड ऑफ एक्शन काफी सारा निकल कर आया है, थोड़ा सुन लीजिएगा अच्छे से। देखिए, इस मंथ में आपको हर रोज ओम का जाप करना है। इस मंथ में आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आपको अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। ठीक है, हर एक चीज आपकी लाइफ में क्यों हुई, किस तरह से हुई, अब भी क्यों हो रही है, वो कनेक्शन आपको इस मंथ में समझ आने वाला है। सो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने वाली है। थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहेगी, आप अपनी चीजों को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको बेसिकली ओम का जाप करना है रोज, अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करने के लिए। ठीक है, ये आपका पहला मोड ऑफ एक्शन है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है। आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल्स अब धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं। इस चीज में आपको सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स जो हैं वो गणेश जी की तरफ से मिल रही हैं। सो आपको पूरे मंथ में गणेश जी की आराधना करनी है, रोज गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा, एक माला, तीन माला, पांच माला, सात माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। और वेडनेसडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी आप वो जरूर फॉलो कीजिएगा। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है, उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो गणेश जी की आराधना आप करेंगे, और इस मंथ में दिसंबर के महीने में जो भी नो मून आएगा, मतलब अमावस आएगी, उस पर आपको अपने एंसेस्टर्स के नाम का दान करना है। ठीक है, आपको कोई पितृदोष है वो इससे हील होगा। ठीक है, एक फैमिली का पैटर्न है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, हर अमावस पर करिए, बट जो नेक्स्ट है दिसंबर के महीने की, उसमें जरूर दान कीजिएगा अपने पितरों के नाम का। आप अन्न का दान कर सकते हैं, आप कपड़ों का दान कर सकते हैं, और आप दक्षिणा जरूर रखिएगा। दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप 10 रुपए दान करना चाहते हैं तो 10 ही कीजिए, 11 नहीं करेंगे। 50 करना चाहते हैं 50 कीजिए, 51 आप नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अनाज में आप उड़द की दाल, चावल, आटा, ये सारी चीजें रख सकते हैं। कपड़ों में एक फीमेल का सूट, एक जेंट्स का सूट आप रख सकते हैं, तौलिया आप रख सकते हैं, तो ये चीज आप दान जरूर कीजिएगा। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस महीने में आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है। आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर भी पावर है। आप जब अपने उस पावर को समझेंगे, अपने अंदर के उस पैशन को समझेंगे, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अगेन वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस में जो भी उपाय बताऊंगी वो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और आपके पास बहुत कुछ शेयर करने के लिए भी है, लेकिन शेयर तभी कीजिएगा जब आपसे कोई एडवाइस मांगता है। ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती है,
ट्यूसडे और संडे की एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी प्लीज उस उपाय को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है, इस महीने में आपको चैरिटी करनी है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को गहरा करना है, जो मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन जो मांगना है वो पूरी क्लैरिटी से मांगना है। जैसे हम अपने मम्मी पापा से कोई चीज मांगते हैं ना, उसी तरीके से डिवाइन से क्लियरली चीजें मांगनी है, कुछ भी छुपा कर नहीं मांगना है। आप जो देना चाहते हैं वो चीज नहीं, जो आप चाहते हैं वो मांगिए, ठीक है। और मेडिटेट इस महीने में जरूर करना है, मेडिटेशन नहीं छोड़नी है। आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। वेडनेसडे, ट्यूसडे और संडे की एंजेलिक गाइडेंस के जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आप दिसंबर के महीने में जरूर फॉलो कीजिएगा। सो अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लिब्रा पीपल, लेट्स सी डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वास्ट विस्टास का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज बिगिन नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अनकवरिंग प्रेशर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गेट्स ऑफ ट्रायंफ का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं अपने सोचने का दायरा बढ़ाइए, वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं। आप अपने लिए जो सोच रखते हैं वो बहुत छोटी सोच रखते हैं, अपने सोचने का प्लीज दायरा बढ़ाइए, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोची हुई हैं। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपना पहला कदम उस जर्नी की ओर बढ़ाइए, उस रास्ते पर बढ़ाइए जहां पर ईश्वर आपको चलाना चाहते हैं। जरूरी नहीं होता है कि बीटन पाथ ही आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेकर जाएं, कई बार हमें अलग रास्तों पर भी चलना होता है। जिस रास्ते पर ईश्वर आपको चलाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर अपना पहला कदम बढ़ाइए। आप ये मत सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डायरेक्शन डिवाइन आपको दिखा रहे हैं। तो जहाँ डिवाइन डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो आपके लिए हेल्प भी रास्ते में जरूर आपको मिलेगी। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई कीजिए और आगे की ओर बढ़ते जाइए। यहाँ पर वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं प्यार आपसे फ्लो होता है और आप तक फ्लो होता है। इसका मतलब जिस तरह की एनर्जीज आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करते हैं उसी तरीके की एनर्जीज आप तक वापस आती हैं। सो इसलिए पॉजिटिविटी प्रोजेक्ट कीजिए, पॉजिटिविटी आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आएगी, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। यहाँ पर अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है, ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी आपको कुछ अपने लिए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने जो आपके लिए सोचा हुआ है अभी वो सरफेस के नीचे छुपा हुआ है, बहुत जल्द आपको वो खजाना मिलेगा, आपकी खुशियों का खजाना आपको मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि अब आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुलने वाले हैं, आपकी लाइफ का जो भी डार्क फेज है वो खत्म होने वाला है, आपको सक्सेस मिलेगी आपके जिंदगी में। लेकिन उस रास्ते पर चलिए जो रास्ता डिवाइन आपको दिखा रहे हैं, अपनी मर्जी से चीजों को ऊपर नीचे मत कीजिए, ठीक है। सो ये ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। सो आई होप आज की वीडियो लिब्रा पीपल आपको पसंद आई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो,
उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वहाँ पर भी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।